नमो नमः मिश्रा जी, सर्वेशां नमो नमः, श्वेता जी नमो नमः। नमो नमः। आपको मैं दिख रहा हूं? हाँ, बिल्कुल, आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एक सेकंड, मैं अपना टैबलेट भी जोड़ लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा, जैसे दिखेगा तो बताइएगा मुझे। हाँ, बिल्कुल। मिश्रा जी कहाँ रह गए थे आप पिछले नमो हफ्ते? नमः आचार्य, सर्वेशं नमो नमः। नमो नमः। हाँ, नमो सर नमः। एक्चुअली सॉरी, मैं एक ट्रांजिट में था, सॉरी, मैंने मैसेज भी नहीं दे पाया, सॉरी सर। अच्छा, नहीं सॉरी तो आप बोल ही नहीं सकते, संस्कृत कक्षा में क्षमा नाम बोलना होगा। खमस्व। हाँ, क्षमस्व या क्षम्यताम, दोनों में से कुछ भी चलेगा। मैं लिख देता हूँ अभी स्क्रीन पे, क्षमस्व और क्षम्यताम, तो ओके। अभी लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। और यदि आपने पहले की रिकॉर्डिंग्स देखी हैं श्वेता जी, तो उसमें भी हम पिछले रिकॉर्डिंग दो हफ्ते, देखी हैं। अब अच्छा हाँ, तो उसमें मिला होगा ये आपको। नहीं पता कि मैंने कौन सी रिकॉर्डिंग देखी है, ये मैं कह नहीं सकती। यूट्यूब पर जाकर कुछ भी देख लिया था, आप ही कुछ की भी थी। नहीं, हमारी वाली। हाँ, मतलब यूट्यूब से आपकी वाली, मतलब आपने जो लिंक शेयर किया था वो वाली नहीं देखी थी, हाँ, याद नहीं मुझे। हो सकता है मैंने मतलब मुझे ये वर्ड नहीं मिला। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई मुश्किल नहीं हो। तो हम हर कक्षा में इसका पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनको आपको हमेशा ही उपयोग करना होता है। क्षम्यताम, नमो हाँ, नमः। क्षमस्व और क्षम्यताम। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, कभी इसमें भी भी हम, ऐसा कुछ है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बोलने का तरीका, सॉरी। एक मिनट एक मिनट, मैं पहले स्क्रीन शेयर सॉरी, कर रहा हूँ, फिर आपको दिखेगा। ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ, हाँ, अभी कुछ नहीं, ये मैं प्लांट्स हटा दिख रहे देता हैं। हूँ। पौधे दिख रहे हैं, मैं नहीं नजर आ रहा, एक मिनट जरा। अभी आगे से, हाँ, हाँ, अब क्लियर। देखे, अभी था फिर गायब हो गया। अब आ गया होगा। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, हाँ, और वो स्क्रीन भी दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, हर कक्षा के पहले वो आवश्यक है। तो श्वेता जी, आपको ओम के उच्चारण का महत्व पता है? जी, मैंने ये वीडियो देखा था आपका, उसमें ओम के उच्चारण को 3 अक्षर में डिवाइड करके उच्चारण किया जाता है। हाँ, ऊ और मा जो है वो सत्व रजस तमस 3 स्टेट्स बताई जाती हैं। और 3 अलग-अलग चक्रों से, जो आप चक्रों के आसपास से, आप कह हाँ, सकते हैं, ये ये इसमें यहाँ पे दिख भी रहा है। चक्रों के आसपास से होती है, मतलब हमें मूलाधार से शुरुआत करते हुए सहस्त्रार तक, मतलब इसको इस तरह से उच्चारण करना होता है कि अपने नीचे से ऊपर तक इसका सुर जो है ऐसे हाँ निकले। हाँ नीचे से ऊपर तो जाता है, पर और आता है मूलाधार इधर, से चालू नहीं जब होता, हम थोड़ा सा ऊ ऊंचा और होता। मा हृदय तीनों से, चीजों, हाँ, एक बार में एक बोल लीजिए, फिर एक मिनट मूलाधार मिश्रा से जी। थोड़ा ऊंचा, स्वाधिष्ठान से शुरू होता है। स्वाधिष्ठान के आसपास से, हाँ, मतलब आपको, यदि आप बोल रही हैं आंख बंद करके, तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि ये पेट के आसपास, मतलब नाभि के आसपास से वो हाँ, निकलता है। नाभि के आसपास जरूर महसूस होता है हाँ, कंपन कुछ।
हाँ वहां से निकलता है, बाकी उसके बाद पूरा शरीर कंपन करता है, पर शुरुआत में वो वहां से निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन मूलाधार से, लेकिन वाइब्रेशन मणिपुर में महसूस होते हैं। का उद्गम मूलाधार में नहीं है, अ का उद्गम मणिपुर के आसपास है, स्वाधिष्ठान और मणिपुर के बीच में ओके कहीं है। और ऊ जो है वो हमारे अनाहत हृदय चक्र के आसपास से उसकी ध्वनि आती है, शुरुआत वहां से होती है। और हृदय मून, चक्र से। हाँ हाँ और मून जो है वो विशुद्धि, मो जो अर्ध मात्रा या अमात्रा है। हाँ हलंत वाला मून है ये, वो विशुद्धि मतलब हमारा कंठ वाला जो, अर्धमात्रा है या अमात्रा है ये? हाँ हलंत है, मात्रा मतलब हलंत है तो आधा माह। नहीं तो मतलब इसे अमात्रा कहेंगे या अर्धमात्रा कहेंगे? अर्ध मात्रा ही है, अमात्रा मतलब तो बिना मात्रा हो गया। अच्छा, जो म के बाद जो लास्ट में गूंज रह जाती है उसे अमात्रा कहते हैं ना? अच्छा आप उस तरह से बोल रही हैं, वो चीज अभी मुझे ध्यान में नहीं है, पर हम क्योंकि नहीं म नहीं को वो अलग जानती से, हूँ। जैसे म होता है ना, तो हम व्यंजनों को स्वरों के बिना बोल नहीं सकते, ठीक हाँ। है, तो क्योंकि हम म पूरा का पूरा अ उ म ऐसे नहीं बोलते, अ उ, तो म की जो ध्वनि है वो तभी आ पाती है यदि हम हलंत लगाएंगे, क्योंकि हलंत नहीं लगाया तो उसको म पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा, जैसे राम कृष्ण, तो जी जो अंत में क्योंकि हाँ हम हलंत नहीं जी लगाते हैं इसलिए वो पूरा का पूरा एक अ छोटी सी एक ध्वनि होती जी है ना। अब वो जो अमात्रा वाला है आपने अच्छा बता दिया, मतलब आप क्या बोल रही हैं कि जब वो जो म की जो हम ध्वनि अंत में लेते हैं गूंज वो रह जाती है अमात्रा। लास्ट में जब स्टॉप करते करते, अच्छा मतलब अच्छा जो जो ध्यान की अवस्था में जब ओम का उच्चारण करते हैं जो लास्ट में गूंज रह जाती है उससे शून्य की तो और जाते हैं, वो शून्यता है या मात्रा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मामा टाइम राधिका जी नमो नमः। आस्ते और बदले ला राधिका बंदरा। जी नमो नमः। हाँ राधिका जी के शायद साथ में नमस्ते अंशु जी, नमो नमः, और भी लोग हैं तो आपको सर्वेशम नमो नमो नमः नमः कहना अंशु होगा। जी। सुनाई दे रहा है ना? हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, थोड़ा आपको और भी ये लोग नजर आ रहे हैं, बता। श्वेता जी और मिश्रा जी भी हैं, तो ये हाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यहाँ ऊपर सर्वेशम नमो नमः। सर्वेशा नमो नमः, हाँ तो जब सर्वेशं सब नमो एक नमः। से ज्यादा लोग हैं तो हम सभी को नमस्कार कर देते हैं, सर्वेशम नमो नमः। सर्वेशा नमो नमः। हाँ और बाकी लोग जब उसका उत्तर देंगे तो सिर्फ वो नमो नमः कर सकते हैं, क्योंकि उनको सर्वेशम कहने की आवश्यकता नहीं है, वो बाकियों को वो पहले ही कर चुके हैं। चलिए तो मिश्रा जी, श्वेता जी और राधिका जी तीनों आ गए आज, बहुत बढ़िया है। तो हम ओम की ध्वनि की बात कर रहे थे, अ उ और म तीनों की जो ध्वनियां हैं हमारे शरीर में अलग अलग जगह से निकलती हैं, तो अब हम ओम का उच्चारण करेंगे, हर कक्षा के शुरुआत में प्रारंभ में ओम उच्चारण करेंगे। और तो आप लोग म्यूट पे रहना चाहें तो म्यूट पे भी रह सकते हैं और अनम्यूट रहना चाहें तो भी थोड़ा चलेगा। सा ये पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ बच्चे हाँ की आवाज। वो हाँ हाँ किसकी तो साइड से? वो ठीक है, मतलब जब भी जो कुछ बोल रहा है तब बस आप अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो बाकी समय आप म्यूट पे ही रहिए, तो फिर आसान है, पीछे आगे कोई आवाज रहेगी तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। तो चलिए, जी और यदि कोई कागज पेन पेंसिल कुछ साथ में लेके बैठे हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बीच बीच में यदि आपको कुछ बिल्कुल बिल्कुल नोट करना है लिखना है तो उससे लाभ।
मिलेगा। जी चलिए तो अभी आंखें बंद करेंगे और हम पूरे 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करेंगे। मैं पहले बोलता हूँ, आप लोग पीछे पीछे जैसे भी चाहे अब बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं अभी आवाज नहीं आ रही है श्वेता जी? है, मुझे बस अ तक आ रही है आवाज, उसके बाद आवाज नहीं आ अच्छा, अभी भी नहीं आ रही है, अभी जब मैं बोल रहा हूं। का उच्चारण आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा कुछ। नहीं, अभी आ रहा है कि नहीं, मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अभी, ये आ रही है, ठीक हाँ। है। तो अब शायद अ के आगे भी आ जाएगी, देखते हैं। एक बार थोड़ा माइक को होठों के पास लगाकर थोड़ा सा उच्चारण करें, क्योंकि वो अ तक ही आ रहा है, उसके बाद शायद वो साउंड स्लो हो जाता है, तो वो माइक कैच नहीं कर पा रहा है वॉल्यूम। अच्छा, बाकियों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? मिश्रा जी, आपको पूरी आवाज आ रही है या आपको भी नहीं आ रही? राधिका जी, मिश्रा जी, नहीं सर, अब आवाज सर आवाज नहीं आ रहा है सर, मुझे लग रहा है कि तो अ की आपका आती है और तरफ फिर स्लो हो जाने के बाद वो नहीं आती है, ऐसा होता है क्या आपके साथ भी? नहीं आता। यस, अच्छा ठीक है, ऐसा मैं एक ऐसा बार ऐसा पास में ही पकड़ हुआ के था। देखता हूँ, शायद कुछ अंतर पड़ेगा। हाँ अभी क्लियर है। अब हमारा लगभग 1 मिनट का ओम उच्चारण हो चुका है। इसको उच्चारण करने के समय सिर्फ वो, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम अपने शरीर के अंदर ध्यान देना थोड़ा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो सिर्फ उतना ध्यान दे के देखे कि जब आप कहते हैं तो पेट के आसपास से, ऊ कहते हैं तो हृदय के आसपास से, और जो अंतिम ध्वनि है वो जब कहते हैं तो कंठ से वो ध्वनि शुरू होती है। उसके निकलने के बाद वो पूरे शरीर को गूंजाती है, या आप कह सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ कंपन कराती है।
पर उसका उद्गम स्थल जो है अ उ और म, ये तीनों अनुभव करने की चीजें हैं। वो आंखें बंद करके जब हम करते हैं तो वो एक बार प्रयास करके देखिएगा, और हर बार जब भी हम ये करते हैं आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। तो एक बार पूरा 1 मिनट नहीं, सिर्फ हम एक ओम उच्चारण करेंगे फिर से, और इस बार हम अच्छे से ध्यान देके देखेंगे कि अ उ म, ये जो है तीनों ध्वनियां ये थोड़ा अपने कहाँ कहाँ फेस से पर होके जाती फोकस हैं। करते हुए कि मैं लिप्स मूवमेंट भी कैच करना चाहती हूँ। अ में किस तरह से लिप्स कितने खुलते हैं, उ में कितने बंद होते हैं और म में कितने बंद होते हैं, थोड़ा चेहरे पर भी फोकस। ये आप मुझसे कह रही हैं श्वेता जी? जी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्चुअली लिप्स मूवमेंट को कैच करना चाह रही हूँ कि अ में कितना लिप्स खुले रहने चाहिए और उ में अच्छा कितने बंद होते हैं और म में, थोड़ा अच्छा ठीक है। तो एक तो इसमें और प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में मुझे और मतलब आसानी सहायता हो होगी, जाएगी समझने में। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक बार पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसकी आवश्यकता होगी तो हम वो भी कर लेंगे। दो चीजें ऐसी हैं कि जब हम ओम कहते हैं तो आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है? आवाज बहुत, हाँ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, हर एक दो शब्द के बाद रुक जा रही है। यहाँ पे ना असल में वर्षा हो रही है, शायद उसके कारण आपको आवाज में अच्छा थोड़ा व्यवधान आ रहा होगा। वर्षा के कारण नहीं आ रहा होगा, पर शायद इंटरनेट में कुछ मुश्किल हो रही है, क्योंकि अभी अभी डिस्कनेक्ट होके भी वापस कनेक्ट हुआ, अभी देखा मैंने। हाँ अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है फिर। तो जो आपने प्रश्न पूछा था, मैं उसका ये कह रहा था कि दो चीजें हैं, एक तो जब हम ओम कहते हैं तो उसमें पहली चीज तो ये है कि जैसे मुंह खुला रखा है और बिल्कुल वैसी ही ध्वनि निकालते निकालते हमको धीरे धीरे मुंह अपने आप बंद करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ऊ के लिए अलग से ऊ ऐसे करना है, हम धीरे धीरे मुंह बंद करते जाएंगे अच्छा और ध्वनि जैसी निकल रही है उसमें अपने आप वो ऊ जैसा हो जाता है और अंत में वो हम बन जाता है, क्योंकि हमारा मुंह पूरा बंद हो जाता है। तो एक बार वैसा प्रयास इतनी करके देर देखिए। उच्चारण करने में मुझे कंफ्यूजन हुई ना, मैं अ के लिए तो मुंह खोल देती हूँ, वो ऊ के लिए फिर वो चोंच जैसा बन जाता है, तो वो बनाना पड़ता है, बनता नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा आप उस तरह से करके देखिए कि आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जैसे एक बार देखिए मैं बताता हूं। तो ऊ जो है वो थोड़ा सा आता है, थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आएगा, पर वो एक मैंने भी ग्रेजुअल है, मतलब उच्चारण ऐसे करते बीच में हुए आपको देखा है रुकना लोगों नहीं, को, मतलब ब्रेक बहुत आने की जरूरत नहीं है। मैं कम सिर्फ ये बोल रहा था कि अ उ और म को आप अलग मतलब अलग स्टार्टिंग में उच्चार। जैसे अ बोल रहे हैं ना, जब अ हम बोल रहे हैं तो बहुत ही कम खुले हुए मुंह के साथ लोगों का उच्चारण शुरू हो जाता है, लेकिन मेरा बहुत बड़ा खुला हुआ मुंह के साथ अ निकल रहा है। नहीं उसमें कोई मुश्किल नहीं, आपकी वो आपकी आपका निर्णय है कि आप हर किसी का मुंह और मतलब कितना खुलता है वो सब अलग अलग होता है, तो ठीक है हमको अपना अपना जिसको जो ठीक से बनता है उतना चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपके हिसाब से अ की ध्वनि कैसे में आती है, फिर चाहे आ करके अ की ध्वनि निकले चाहे थोड़ा सा खोल के, मतलब उसमें कोई चिंता की बात नहीं। और दूसरा ये बात है कि अ उ और म जो तीनों हम ध्वनियां अलग अलग निकालते हैं, तीनों को लगभग एक समान समय के लिए यदि उच्चारण करें तो वो बहुत लाभकारी है, तो वो अधिक लाभकारी है। तो यदि आप अ को लगभग 3 सेकंड तक बोलते हैं मान लीजिए, तो वो भी 3 सेकंड और म भी 3 सेकंड, तीनों के तीनों 3 3 सेकंड। किसी की सांस थोड़ी छोटी है श्वास, तो 2 2 सेकंड या 4 4 सेकंड, जिसकी जैसी श्वास है उसके अच्छा अनुसार आप कर सकते। ऐसा
ऐसा कहीं रेफरेंस में दिया गया है कि तीनों मात्राओं को बराबर समय के साथ उच्चारण करना चाहिए? करने से ज्यादा हेलो, फायदा है, क्योंकि तीनों का शरीर में अलग अलग असर है। हेलो, बल्कि आचार्य, बल्कि हाँ बोलिए मिश्रा जी। हेलो, आचार्य आचार्य, आज बहुत इंटरप्शन है, बोथ अभी भी हो रहा ऑडियो है क्या? वीडियो, अभी भी हो रहा है क्या? हेलो, बहुत इंटरप्शन है आज, ऑडियो वीडियो दोनों इंटरप्शन। हाँ, अभी वीडियो नहीं आ रहा है, बीच में ऑडियो नहीं आ रहा था। अच्छा, वीडियो तो असल में बदल नहीं रहा, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, पर ऑडियो में अभी भी मुश्किल अभी हो रही दोनों है। ठीक आए, अभी दोनों हाँ, ठीक वो आए। बारिश के कारण ही गड़बड़ है आज। आज काफी बारिश, तेज बारिश हो रही है, पिछले 1 घंटे से हो रही है। अच्छा, ये जो उपनिषद क्लास था, हमारा उपनिषद क्लास में वो बोल हाँ रहे थे ओम का उच्चारण आप कैसे भी करो लेकिन ओम का उच्चारण करना है। हाँ बट अभी जैसे श्वेता मैडम ने अभी पूछे हैं कि हमारा तीनों का जो अ उ म ये समानांतर में होना जरूरी है, तो आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक है या कहीं पर भी? नहीं। देखिए, आवश्यक जैसा नहीं है। हमारे उपनिषद वाले आचार्य ने भी बताया कि ओम का उच्चारण जो है वो बहुत ही। मैं इसलिए हाँ बोलिए श्वेता जी, आप कुछ बोल रही थी। मैंने इसलिए इंटरप्ट करके ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि जब मैं मेडिटेशन क्लासेस किया करती थी तो हमें प्रॉपर फोकस देकर सिखाया गया था कि अ उ और म की मात्रा में तीनों मात्राएं एक से दूसरी बढ़ते जाती है, अ से दुगनी ऊ हो जाती है और ऊ से दुगनी तिगुनी जितना ज्यादा बढ़ा सके म को वो ज्यादा अच्छा होता है। म को बढ़ाना बहुत लंबा खींचना, इसी का अच्छा मतलब ये जितना था कि गहरा बाहर श्वास से आपको भरेंगे अंदर को आना उतना है। बड़ा ओम आप बोल अच्छा सकते, मतलब अच्छा जितना गहरा श्वास आप भर सकते हैं उतना ऊंचा और लंबा देर तक आप ओम बोल सकते हैं। हाँ, सांस जितनी और लंबी है यही उतना बोल सकते अभ्यास हैं, यही बिल्कुल किया सही बात जाता है कि उसको बड़ा करना है, मतलब उसको अभ्यास ही इसी चीज का कराया जाता था कि ओम का उच्चारण बहुत एक उच्चारण बहुत लंबा बहुत देर तक। है। हाँ, ये तो सही बात है, जितना लंबा हो उतना अच्छा है श्वास के लिए और हमारे शरीर के लिए भी। पर जी अलग अलग आचार्य या शिक्षक शिक्षिकाएं, वो कितना कितना करना है वो अपने हिसाब से, या उन्होंने अपने आचार्य से जैसे सीखा है उसके हिसाब से बताते हैं। तो तीनों अक्षरों का अपना जी महत्व है, तीनों अक्षर हमारे शरीर पे अलग अलग प्रभाव डालते हैं। वो प्रभाव लगभग बराबर हो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हम बराबर रखते हैं, पर यदि आपके आचार्य ने उस हिसाब से बताया है तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। सिर्फ ओम का उच्चारण हो वो आवश्यक है, वो बहुत लाभकारी है हमारे शरीर के लिए, तो उसको हम जी समझे वो ज्यादा आवश्यक है। बाकी कितना कितना करना है, हमारे आचार्य ने और हमको बराबर बराबर का सिखाया है, क्योंकि तीनों के जो आप जी प्रभाव है ना हमारे शरीर पे अलग अलग होते हैं। जैसे उन्होंने जी तो और भी बताया, वो मुझे अभी थोड़ा सा स्मरण में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अ का उच्चारण है उससे धन संपत्ति जो है ये इसको हम अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम आकर्षित करते हैं। वैसे ही ऊ के उच्चारण से हम प्रेम को आकर्षित करते हैं, और म के उच्चारण से हमारी वाणी शुद्ध होती है। तो तीनों के थोड़े थोड़े अलग अलग प्रभाव भी हैं, तो जितना करेंगे आपको, यदि ओके आपने ओके यदि किसी सुना होगा कभी सद्गुरु को, तो वो तो ये भी बताते हैं कि यदि जैसे किसी को सिर्फ खूब सारा धन चाहिए तो अब वो बैठ के अकेला बोल सकता है, पर आपका यदि उद्देश्य सिर्फ धन की प्राप्ति है तो अकेला करने मतलब फिर योग में आपको घुसने की कितना फायदा होगा वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि योग से आप कितना सही में लाभ ले पाएंगे। पर ये हमारे शरीर की प्रकृति है जो इन अलग अलग ध्वनियों से अलग अलग फायदा होता है, असर पड़ता है, तो हमको बराबर का सिखाया है तो इसलिए मैं बराबर का सिखाता हूँ, और मुझे उसके कारण भी बताएं कि क्योंकि जी तीनों के प्रभाव अलग अलग हैं।
आपको जैसा सिखाया है आप वैसा कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। सिर्फ ओम का उच्चारण हो वो हम करते हैं, कि जैसे अब हम फोन भी उठाते हैं तो हम हरि ओम कहते हैं, तो हरि ओम क्योंकि हेलो जो एक शब्द है वो अंग्रेजों का, मतलब जिसने कभी कोई टेलीफोन बनाया होगा उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था, तो वो हेलो वहां से निकल के आया, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो शब्द का उस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है, तो हम उनके शब्द काहे के लिए बोले, हम हरि ओम बोलते हैं या हम कुछ राम राम कहते हैं, बहुत लोग अपने अपने अनुसार कुछ कुछ कहते हैं, तो हम जय अपने जगन्नाथ। हाँ जय काली माँ जय दुर्गा माँ ऐसे बहुत सारे अलग अलग जय श्री कृष्ण अलग अलग कहते हैं लोग, तो हम ओम वाला वाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ओम भी आ जाता है, तो हरि ओम या ओम नमः शिवाय इस तरह का कुछ भी, किसी से बिल्कुल मिलते सही। हैं कहीं जाते हैं हम तब भी वही कहते हैं आजकल, तो उससे हमारा ही फायदा हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। जी तो राधिका जी आप भी ओम का उच्चारण कर पाए आराम से? हाँ, मैं कर पा रही हूँ। ठीक है बहुत बढ़िया, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है। ठीक है, और ये जो पिछले वीडियोस हैं जिनमें थोड़ा बहुत हमने कौन से चक्र हैं हमारे शरीर के, ये एक बार इस पे चर्चा की थी, तो पिछले वीडियोस में यदि आप देखेंगी तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। हाँ, मुझे देखना है, अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगी वो। हाँ ठीक है, तो अब एक चीज हम अलग अलग समझ लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख के पहले हम चर्चा कर लेते हैं तो उससे वो शब्द समझ में आ जाएंगे, फिर बाद में मैं उसका अंतर बताऊंगा। तो अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे और ये हर कक्षा में होगा, प्रश्नोत्तर हम हमेशा थोड़ी सी चीज सीखेंगे फिर साथ में प्रश्नोत्तर करेंगे, तो और ये पुनरावृत्ति भी हो जाती है, पुनरावलोकन भी हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में लोग रिविजन कहते हैं या फिर से देखना हो जाता है। तो मम नाम अंशु, भवत्याह नाम किम श्वेता महोदया? मम नाम श्वेता। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि मम नाम ये अलग अलग उच्चारण जो है इसका सुनाई आना चाहिए, जैसे राम कृष्ण ऐसे जो हम करते हैं ना उच्चारण, ये उस तरह का उच्चारण है। एक मिनट मैं यहाँ पे पेन कौन सा ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये वाला, मम नाम तो मम में और नाम में हलंत नहीं आता, तो उसका जो उच्चारण है अंत में जो एक छोटी सी अ की ध्वनि है वो नीचे में। अंशु जी, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा अभी फिर से वैसा होने लगा क्या? मिश्रा जी श्वेता जी आपको भी वही हो रहा है? नहीं, सुनाई दे नहीं, रहा है मुझे, क्लियर है सुनाई दे रहा। आपको आ रही है आवाज? मुझे भी क्लियर है। ठीक है, तो दो लोगों के आ रही है राधिका हाँ जी, तो आपको अपना इंटरनेट थोड़ा सा देखिए एक बार या ऑडियो फिर से ज्वाइन कर लीजिए, इसमें एक ऑडियो का नहीं, ऑप्शन बीच बीच रहता में है। सर बंद हो रहा है, अभी वीडियो बंद हो गया, ऑडियो भी बंद हो रहा है। अच्छा आज तो इंटरनेट का यही परिस्थिति है, तो आज तो क्षम्यताम सर्वेशाम क्षम्यताम, पर देखते हैं कल, आशा है कि अच्छा होगा ठीक होगा। इट्स ओके को क्या बोलेंगे? चिंता मास्तु, तो मैं अभी वही थोड़ी बहुत चीजें दिखा रहा था कि जैसे अपन कहीं कक्षा में देर से आए या अपन से हमसे कोई गलती हो गई कोई, तो क्षमा मांगनी है तो हम क्षमस्व या क्षम्यताम इस तरह से कहते हैं, ये चिंता आपको। मस्तु जी। और जब किसी ने क्षम्यताम कहा तो हम कहना चाहते कि अरे अरे कोई चिंता नहीं चिंता मत करो, तो संस्कृत में जी चिंता
मास्तु, मतलब नो प्रॉब्लम या चिंता डोंट ना वरी। अस्तु, कंबाइंड लिखेंगे नास्तु, अलग अलग नहीं ना अस्तु। मास्तु, मौ नास्तु नहीं, मौ आकर मास्तु। अधा सौ मास्तु। ओके, हाँ डोंट मास्तु। वरी या नो माँ प्रॉब्लम, मतलब जिस तरह से नहीं। माँ है न नहीं। जी, तो चिंता मास्तु का काफी उपयोग होता है, बहुत उपयोग होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, और घर में भी आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, लोगों को, औरों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, किसी से कुछ गड़बड़ हो गई, कोई भी बोल सकता है क्षमस्व क्षम्यताम, और आप बोल सकते हैं चिंता मास्तु। आपने एक प्रश्न पूछा, भवत्या नाम किम, पुल्लिंग के लिए कैसे पूछेंगे? भवान, तो वो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए भवतः नाम किम? तो हम करते हैं ना अभी, तो मम नाम अंशु, भवत्याह नाम किम श्वेता महोदया। मम नाम श्वेता। अब प्रश्न पृच्छतु, आप प्रश्न पूछिए आगे, किसी से पूछिए, मतलब राधिका जी से या मिश्रा जी से। राधिका जी से तो भवत्याह विसर्ग लगेगा लास्ट में। हाँ, भवत्याह ये लिखा है ना। भवत्याह नाम किम राधिका जी? राधिका जी का पुत्र या पुत्री शायद बढ़िया हल्ला मचाए हुए हैं वहां पे, पुत्री है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप मिश्रा जी से पूछ लीजिए, तब तक देखते शायद राधिका जी आ जाएं तब तक। तो पुलिंग के लिए कैसे पूछेंगे? लिंक के लिए ये है, भवतः नाम की ये लिखा है ना, भवत बाजू में ही। मुझे तो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है सर लिखा हुआ। अच्छा आपको स्क्रीन नहीं, मिश्रा जी आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? भवान स्क्रीन पर मुझे भवती वो लिखा है चक्र सर, वाला, आपको दूसरा बस जहाँ ये हाँ सर। ये एक बार वाला मैंने फिर दिख से किया अभी, तो देखिए अब आ रहा है क्या? रहा है। हाँ अभी अभी आ रहा है, लेफ्ट साइड हाँ में नीचे। अच्छा ठीक है, अब आ चल। रहा है। भवतः नाम किम? मम नाम डीएस मिश्रा, भवत्याः नाम श्वेता महोदया वा? तो ये एक नया प्रश्न वाह है, जब भी वाह वा लगाया तो वाह मीन्स वा का मतलब है क्या, मतलब एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो उन्होंने पूछा कि भवत्याह नाम श्वेता महोदया वा, मतलब आपका नाम श्वेता है ना, हम ऐसे पूछते हैं ना, श्वेता है ना। आम आम उत्तमम उत्तमम, आम उत्तम। तो अब ये भवत्याह और भवतः का अंतर आपको समझा, पुल्लिंग है तो जी भवतः और भवत्या स्त्रीलिंग है तो भवतः भवत्या। अब इनमें हम थोड़ा सा, यदि इन दोनों का उपयोग ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इनमें सम्मान के साथ आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, भवतः और भवत्याह जो है इसका अर्थ जी है आपका, ये तुम्हारा नहीं है ये आपका है। तो आप कोई बड़ा हो, बराबर वाला जी हो या छोटा हो, कोई भी हो, कोई ऊंचे पद पे है, किसी कहीं भी हो, आप भवतः या भवत्याह उपयोग करेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब हर किसी के लिए वो चलेगा। लेकिन यदि हम तव उपयोग करते हैं, तव भी एक शब्द होता है जिसका अर्थ है तुम्हारा संस्कृत में, तो तव जो है जी हमको देख के करना पड़ेगा कि या तो बराबर वाले आपके कोई मित्र हों, बराबर वाले हों या छोटे हों, तब तब चलता है, लेकिन सम्मान के साथ करना है तो भवतः भवत्याः ज्यादा अच्छा है उपयोग करना। फिर भी पता होना चाहिए तो कि में तो कोई हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। हाँ तव में तो है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं। अरे राधिका जी फिर से प्रकट हो गई, चलिए एक प्रश्न राधिका जी से पूछ ही लीजिए मिश्रा जी। राधिका जी अब आप बोल भवत्याः उत्तर दे पाएंगी?
राधिका जी, तो मिश्रा जी आप प्रश्न तो पूछ ही लीजिए, फिर देखते हैं उत्तर देंगी हो आशा है। भवत्या नाम किम राधिका महोदय महोदया? प्रश्न पूछा तो भाग गई राधिका जी, ये मजेदार है, वो शायद बच्चे परेशान कर रहे हैं। भवती किम करोति राधिका महोदया? अरे राधिका महोदया तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई शायद। हाँ ठीक है, तब भवती किम करोति श्वेता महोदया? किम करोति मतलब क्या कर रही हूँ? 100% यस। मम कक्षाम करोति? मम नहीं, अहम, तो अब मैं, इधर देखिए, अब इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अहम संस्कृतम पठामि। अहम पढ़ामी संस्कृतम दिख रहा है। पठामी हाँ पठयामी दोनों चलेगा। पठयामी मीन्स पढ़ामी, मतलब मैं आगे और पढ़ूंगा तो पीछे चलेगा, पठामी। तो पठामी या पठामी संस्कृतम? पढ़ने के लिए पठामी, और अगर पढ़ा आपने पढ़ रहे हैं तो पठामी, अगर पढ़ा रहे हैं तो पठयामी। पढ़ाने का अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे मिश्रा जी, अभी हम एक-एक करके चलते हैं। तो मैं क्रम क्रम पूछ रही हूँ। मैंने पूछा कि अहम पठामी संस्कृतम या फिर अहम संस्कृतम पठामी, कोई कौन कोई सा सही किसी है? भी तरह होगा, किसी भी तरह होगा। संस्कृतम तो अहम अच्छा पठामी, ठीक, अहम पठामी संस्कृतम, पठामी अहम संस्कृतम, तीनों सही है। सर जो बोले मैं वही बोल दिया, मेरा ज्ञान नहीं है। उत्तमम उत्तमम। नहीं आपकी ये वाली कक्षा पिछली बार हो गई ना, तो आपको समझ गया, तो अच्छा है कि आप समझा रहे हैं, तो इससे मुझे भी पक्का हो जाता है कि आपको समझ गया है, तो और अच्छा है। तो अब एक अंतर आप देखिए श्वेता जी और राधिका जी, कि जब आप बता रही थी कि मम नाम राधिका या मम नाम श्वेता, मम नाम अंशु, इस तरह से, तो मम का क्या अर्थ है मेरा उस वाक्य में, है जी ना? तो यदि वो मेरा है, तो जब आपसे प्रश्न किया कि भवती किम करोति, तो भवती जो है ये है आप, भवती या भवान, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के हिसाब से, भवती या भवान किम करोति, तो आप क्या कर रही हैं, हमने मिश्रा जी ने ऐसा पूछा था, ठीक है? तो अब जब आप उत्तर जी देंगी तो आप मम तो बोल नहीं सकती, क्योंकि मम तो मेरा होता है ना, और आप बोलना चाहती कि मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ या मैं कक्षा पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ आप बोलना चाहती थी, है जी जी ना? जी तो अहम जो है ये मैं है, ये मेरा नहीं है, ये मैं है, तो इसीलिए हम अहम का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो अब आप, अहम पठामि, हाँ, अहम पठामी अहम संस्कृतम पठामि या अहम संस्कृतम। संस्कृतम पठामी या संस्कृतम अहम पठाम, वो क्रम कोई भी चलेगा। संस्कृत में इतना ये चमत्कार है संस्कृत का, दुनिया के किसी भाषा में, किसी और भाषा में अभी तक तो मुझे नहीं मिली ऐसी और कोई भाषा जिसमें ऐसा होता है, और इसी के कारण अंतरिक्ष विज्ञान के जो शोधकर्ता हैं वो लोग संस्कृत का उपयोग करने की कोशिश करते हैं आजकल, क्योंकि उनके जो संदेश हैं उसी उपग्रह में भेजा या उपग्रह से कोई संदेश आए, तो उनमें उनके जो क्रम है वो बदल जाते हैं संदेशों के। तो अब यदि वो अंग्रेजी या किसी भी और भाषा में वो संदेश आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो वो क्रम बदल गया तो वो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, तो उसके लिए अब वो संस्कृत उपयोग करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में वाक्य का अर्थ बदलता नहीं। जी, और इसके हम और भी बारीकियां धीरे धीरे पढ़ेंगे कि संस्कृतम यदि
सर्वेषां नमो नमः। हेलो, सर्वेषां नमो नमः। श्वेता जी नमो नमः, आपको आवाज आ रही? नमो नमः, नमो नमः। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? मैं ये बता रहा था कि हम इसकी छोटी छोटी बारीकियां भी बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे कक्षा में पढ़ेंगे, पर अभी हम कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे उत्तर देना है, सिर्फ जैसे नाम, आपका नाम क्या है या आप क्या कर रहे हैं, तो ये अभी छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका हम घर पे या मित्रों के साथ, किसी के भी साथ अभी उपयोग कर सकते हैं। तो हर कक्षा का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम ऐसी चीजें सीखें कि वो संस्कृत में तो काम की है ही, पर वो तुरंत आप घर पे किसी से भी बात कर सकते हैं। अभी कक्षा खत्म होगी तो आप दो चार लोगों के साथ वही वाक्य लेके मजे कर सकते हैं। जी, तो ये क्लास मतलब सैटरडे संडे दो दिन ही रहेगी? अभी तो शनिवार रविवार का पक्का है, क्योंकि उस दिन बाकी जो विद्यार्थी हैं वो लोग आ पाते हैं। अब यदि और दिनों में करना है तो हम और विद्यार्थी अभी खोजेंगे। आप भी यदि किसी और ग्रुप में या अपने किसी ग्रुप में पूछना चाहें तो लोगों से चर्चा कर सकती हैं। अपने ग्रुप के अंदर और भी थोड़े लोग दिखते हैं तो आप किसी से भी मैसेज करके बात कर सकती हैं कि किसी को भी कोई और समय यदि आपको पसंद है और आप किसी और से भी पूछना चाहती हैं, तो जो लोग मान जाएं, दो चार लोग हो जाएंगे तो फिर हम और भी समय देख लेंगे। मुझे पता है कि आपको एक दो से तीन बजे का मंडे टू फ्राइडे आपने बताया था मुझे, मुझे ध्यान है। हाँ, मतलब मैं चाहती थी रेगुलरिटी हो, लेकिन आप सिर्फ 2 डेज का दे रहे हैं तो उसमें ये होगा कि 2 डेज में बाकी पूरे हफ्ते में सारा फिर भूल जाएगा, और भूलेगा नहीं ना, रेगुलरिटी मैं नहीं आपको होने से फिर छोड़ूंगा वो थोड़ी। इंटरेस्ट हम जो है बीच बीच में सप्ताह के बीच में इस बार से अभ्यास देना भी शुरू करेंगे, तो आपको एक अभ्यास पत्रिका, एक आध पेज या दो पेज का, दो पन्नों का कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको आप उसके हल निकाल के उसका फिर फोटो खींच के फिर वापस भेजिए, फिर हम उसको करेंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो जी। चलता रहता है बीच बीच में, पूरा तो हम हाँ, भूलने नहीं मतलब देंगे। अभी मैंने तो ये फर्स्ट टाइम लाइव ज्वाइन किया, और इससे पहले जो रिकॉर्डिंग भी देखी तो उसमें ये देखा कि ये जो नया बैच, ये वाला जो स्टार्ट हुआ, तो इसमें अभी नहीं है, इसमें लोग नहीं जुड़े हैं। हाँ, लगभग 3 या 4 लोग हैं, और पहली बार श्रीजी जी भी, श्री ललित जी नाम था ना मिश्रा जी, श्री ललित जी, हाँ वो भी आए थे, तो अब वो पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो अब होता क्या है कि एक बार ये शनिवार रविवार की कक्षा हो जाए तो फिर हम बीच में किसी ना किसी से बात करने कि उनको ध्यान दिलाने की कोशिश हाँ, करते हैं। कई एक ग्रुप में 10 लोग लगभग हो गए तो थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्शन होगा, और बीच में भी कभी कभी इवनिंग को भी कर सकते हैं। सपोज किसी का ऑफिस टाइम है तो इवनिंग को 8 से 9 या 8 से 8:30, आधा घंटा पौने घंटा कर सकते हैं। हाँ, तो 7 बजे तो है ही, तो शनिवार रविवार को 4 बजे भी है, फिर 4 बजे जो है, सॉरी 7 बजे अगली जो एक और बैच चल रहा है उसकी भी कक्षा है, तो मैं उसकी भी लिंक आपको भेज सकता हूँ, आप उसमें भी आना चाहे तो उसमें भी आ जाइए, उसमें भी लगभग 4 लोग रहते हैं। वो तो ठीक है, पर एक दिन में 2 बार अटेंड नहीं हो पाएगा, एक दिन में एक ही बार हो पाएगा। मैं तो एक्चुअली हाँ, वो आपको सेपरेट बताया बैच है। मैंने कि एकदम वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वुमेन की। हाँ, वो तो सबसे बड़ी चीज है, मतलब आप लोग जितना करती हैं उतना कोई नहीं कर सकता। जी, तो एक दिन में मैं मतलब और भी कुछ कुछ चीजें ज्वाइन कर रखी हैं, तो एक दिन में एक सेशन से ज्यादा नहीं मैं मतलब इसके लिए डिवोट कर पाऊंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं समय डिवोट नहीं कर पाऊंगी, और आपने कहा था कि बिना आपको ज्यादा समय डिवोट किए आप याद करवा देंगे ये सब। हाँ, वो तो बिल्कुल है, बस कक्षा में आते रहिए तो सब अभ्यास हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। याद भी नहीं, मतलब वो तो हमारी एक प्रकृति बन जाती है संस्कृत,
में सोचना या ये संस्कृत में? बल्कि मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मैंने संस्कृत पढ़ा भी हुआ, तो ये जो आपने मुझे मैंने आपकी रिकॉर्डिंग देखी है, ये प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष ये सब देखे, तो मेरे लिए एक जैसे क्विक रिवीजन था ये, हाँ मतलब हाँ मुझे एकदम क्लियर हो गया था। ध्यान में आ गया ना। हाँ वही, क्योंकि कई लोगों ने, अधिकतर लोगों ने विद्यालय के समय संस्कृत पढ़ी होती है, पर अब हम उस समय हमने इतनी बोलनी नहीं सीखी होती, या आदत नहीं पड़ी होती, तो आज हम वो भी कर ले रहे हैं। जी अब उपयोग में आना है और कुछ नहीं है। जैसे आपने आज कक्षा की, तो घर पे जाके फिर किसी से, बच्चों से, बड़ों से, कोई भी हो, कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए। उनको भी थोड़ी उत्सुकता आएगी कि अरे ये क्या बोल रही है, फिर वो पूछेंगे, आप बता सकती हैं, फिर मेरा उसका। बोलने, बातचीत करने के, बोलने के इससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे ये है कि जैसे गीता के श्लोक या योग में जो भी हम पढ़ते हैं, उपनिषद वगैरह, उन श्लोक को हम हिंदी में अपने आप समझ सके, इतनी नॉलेज कैसे आएगी, वो सब धीरे उनका हम अभ्यास से ही अनुवाद कर आएगा, सके श्लोक वगैरह का। सब चीज अभ्यास से ही आएगी, क्योंकि हम बीच बीच में श्लोक करते हैं। हमने शायद पिछले हफ्ते एक श्लोक किया था, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। मिश्रा जी आपको याद है? अभिवादन शिलस्य मैंने सुना नित्यं था, मृदोपस्पशेविता हाँ विनः ये चत्वारि तस्य वाला, वर्धन्ते मैंने आयुर्विद्या। ये वीडियो में देखा था, हाँ तो हम बीच बीच में करते रहते हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि यशो बलम। हर श्लोक की भाषा, जैसे वेदों के श्लोक यदि हम देखेंगे तो उनकी जो संस्कृत है वो थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, तो हम उस स्तर पे तो मुझे लगता है कि 1-2 साल लगेंगे धीरे धीरे पहुंचने में, क्योंकि नहीं वेदों। आचार्य जी, आपने जैसे बताए थे कि सपोज हमने अभी थोड़ा थोड़ा संस्कृत का भी वी आर स्टार्टअप, तो जैसे हाँ संस्कृत का कोई न्यूज़पेपर जो आपने बताए थे, वो न्यूज़पेपर है ये या है कुछ है, ये सुधर्मा। अगर सरल संस्कृत अगर पढ़ेंगे, कंटिन्यूस पढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि वो कठिन भी समझ में आएगा। बट अभी हम तो स्टार्टअप है, मुझे लग रहा है इसमें इसको करने के लिए 2-3 महीना लगेगा। हाँ 2-3 महीना तो बहुत कम है, मतलब ये तो चलता ही रहेगा नहीं थोड़ा सा सर आप। पढ़ने के टाइम में। हाँ, तो मतलब वेद, जैसे गीता के भी हम श्लोक बीच बीच में लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गीता के लेते हैं या सिर्फ एक जगह से लेते हैं। सुभाषित जो है हमारे, जो हमारा इतना सारा खजाना है संस्कृत का, उसमें बहुत जगह फैले हुए हैं, उपनिषदों में भी जी हैं, वेदों में भी हैं, गीता में है, महाभारत में है, रामायण में, तो अलग अलग जगहों से हम वो निकालते रहते हैं कभी कभी, हर 2-3 कक्षाओं के बीच में फिर कोई ना कोई एक नया श्लोक लेके आते हैं, जो समझने के लिए, मतलब जिसके शब्द हम उस समय समझ पाए, तो वो आएगा आएगा, जी आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आएगा। जैसे एक दिन आएगा जब हम गायत्री मंत्र भी करेंगे, फिर जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको भी समझेंगे, तो आएगा धीरे जी धीरे आएगा, क्योंकि हम क्या है कि जैसे बोलना भी सीखते हैं ना, तो बोलने के साथ में उसकी व्याकरण भी सीख रहे हैं, उसमें हम कब मैं का उपयोग करना है, कब आप का उपयोग करना है, कब तुम का उपयोग करना है, तो इस तरह की चीजें भी हम समझते हैं, तो उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, सारी चीजें आ जाती हैं। जी एक सेकंड रुकिएगा, श्वेता महोदया, भवत्याः गृह कुत्र? मम नहीं गृह समझी मैं। अथवा श्वेता महोदया? हाँ गृह, श्वेता महोदया गुरु गृह, अच्छा, आप तो पुणे में से, मुझे पता है। श्वेता श्वेता महोदया महोदया, अपना, हाँ अब आप लोगों का भवत्याः भी परिचय नहीं हुआ ना, गृहं परिचय कुत्र? एक साथ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। नहीं, भवत्या गृह कुत्र? हैदराबाद। ओके, उत्तमम उत्तमम।
तो अब हम इस वाक्य को भी समझ लेते हैं ताकि हम शुद्ध प्रश्न कर पाए। मम ग्रह इन हैदराबाद क्या होने। हाँ एक मिनट, सब सब चीजों पे एक एक करके आते हैं। भवत्याह हैदराबाद में गृहम पुत्र अस्ति, तो हमने सर आप जो लिख रहे हैं ना वो दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पर आप सब चलेंगे। ये दिख नहीं रहा अभी यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, ये नहीं, नहीं सर दिख नहीं रहा। नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी फिर से मैं बंद करके चालू करता हूँ। ये वाला दिख रहा है, भवत्याह गृहम भवत्याह गृहम हाँ पुत्र अस्ति। हाँ तो भवत्याह मतलब आपका, यदि ये पुल्लिंग में होता तो हम भवतः पूछ लेते है ना, भवत्याह या भवतः गृहम पुत्र अस्ति। तो गृहम जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है संस्कृत में। लिंगों को हम बाद में और भी विस्तार से समझेंगे, पर अभी इस वाक्य के लिए समझ सकते हैं। तो गृहम जो है बोलना आवश्यक है कि आपका घर कहाँ है, तो ये कुत्र जो है कहाँ हो गया, और अस्ति मतलब है। ये प्रश्न आप यदि लिखना चाह रहे हैं तो लिख भी सकते हैं अभी के लिए। अब आप उत्तर जब दे रही हैं तो मम गृहम, और जो भी शहर है उसको वैसा का वैसा ही रख दीजिए, हैदराबाद नगरे। तो नगर जो शब्द लगा दिया तो अब पता चल गया कि हैदराबाद शहर में है। नगरे, तो ए जो लगा वो मे का काम कर रहा है, हाँ हैदराबाद में नगर है में, या हैदराबाद शहर। हाँ वो सप्तमी है, हम तो विभक्तियां बाद में ये पढ़ेंगे। तो हमने मम किया, लेकिन हाँ हमारा क्योंकि करने मेरा के है लिए ना, आवाज तो हमारा करने के लिए अच्छा हमारा मतलब आप अपने परिवार के लिए ऐसे हमारा बोलना चाहती हैं, जी जी अस्माकम। अस्माकं गृहं हैदराबाद नगरे अस्ति हमारा तो ये अस्तु। बहुवचन है, इसी का मम का बहुवचन अस्माकम, तो मम मेरा और अस्माकम हमारा। तो अब क्या क्या है कि क्योंकि कई शहरों के नाम में कहीं ऊ लगता है, ए लगता है, आ लगता है, जैसे पुणे तो मेरा शहर पुणे, फिर मुंबई में ई लगता है, तो अब हर उन शब्दों में यदि हम मे लगाएंगे तो उनके जो मे वाले शब्द हैं वो थोड़े जटिल होते हैं, क्योंकि हर एक की विभक्तियां अलग अलग तरह से बनती हैं, ई वाले की अलग बनती है, अ वाले की अलग तो बनती है। पूना पूना के लिए पुणे नगरे या पूना नगरे। हाँ तो हम पुणे नगरे, तो जो भी ओरिजिनल शहर का नाम है हम वैसा का वैसा ही उपयोग कर लेते हैं, उसमें हम विभक्ति लगाते ही नहीं, पर सीधे उसके आगे नगरे लगा देते हैं, तो वो ज्यादा आसान है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे में। आचार्य ये क्वेश्चन में अस्ति होगा और जब आंसर देंगे तो अस्तु होगा। नहीं अस्तु वो अलग उपयोग है, यहाँ पे तो अस्ति ही है। यहाँ अस्ति का क्या ओके okay. मतलब है, अस्ति तो का मतलब है अस्माकं गृहं हैदराबाद नगरे अस्ति, हाँ, अस्ति तो मतलब है, एग्जिस्टेंस की बात हो गई। वो तो है ना। अंशु हाँ राधिका जी, जी, अगर नगर नहीं डालना है हमें, जैसे कि सिर्फ हैदराबाद में है बोलना है, तो हैदराबाद में कैसे बोलेंगे। मैं वही बता रहा था कि आप हैदराबाद में बोलना आसान है क्योंकि ये अकारांत है, इसका अंत जो है अ ध्वनि पे होता है, हैदराबाद, तो इसमें हैदराबादे बोल सकते हैं। लेकिन जो पुणे शब्द है या मुंबई शब्द है तो उसमें ए पे अंत होता है या ई पे होता है, तो उनकी विभक्तियां बहुत अलग होती हैं, तो वो अलग अलग याद रखने की जगह हम
वो करते ही नहीं, हम सीधे नगर लगा देते और नगरे कर देते हैं, तो नगरे में आसान है क्योंकि सारे शहरों के लिए वो एक ही उपयोग हो जाएगा, ओके, तो इसलिए फिर विभक्ति सोचने की आवश्यकता नहीं। और विभक्ति हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए जैसे अब हम एक बार फिर से प्रश्नोत्तर करते हैं, तो थोड़ा सा परिचय वाला प्रश्नोत्तर करते हैं, तो मैं बोलना चालू करता हूँ, आपको समझ में आएगा और यदि आवश्यकता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मम नाम अंशु, मम गृहम पुणे नगरे अस्ति, भवतः नाम किम मिश्रा महोदय? मम नाम डीएस मिश्रा, अहम मम गृह अहमदाबाद नगरे अस्ति। मम गृहम, तो बिल्कुल शुद्ध बोलिए ताकि वो सुनाई आएगा अच्छे से। मम गृहम अहमदाबाद नगरे अस्ति। उत्तमम्, प्रश्नं पृच्छतु। भवत्याः नाम किं श्वेता महोदय? मम नाम श्वेता अस्ति। नहीं, श्वेता, श्वेता, इसमें विसर्ग की आवश्यकता नहीं, सिर्फ श्वेता नहीं है ना यहाँ। अस्ति तो हमने पूछा, दूसरा किसके लिए लग? श्वेता जी एक बार फिर से बोलिए। मम नाम श्वेता। उत्तमम, आगे प्रश्न। आप एक और भी बताएं ना, मम गृहम, हम नाम बता रहे हैं और अपना घर बता रहे हैं। मम गृहम हैदराबादे अस्ति और मम गृहम हैदराबाद नगरे अस्ति। हाँ, नगरे उपयोग ज्यादा उपयोगी है क्योंकि उसमें आपको विभक्तियों, शहर के नाम के साथ विभक्ति सोचने की आवश्यकता नहीं। भवत्याः नाम किम राधिका महोदय? मम नाम राधिका, मम गृह दिल्ली नगरे अस्ति। मम गृहम, एक बार फिर से। गृहम, मम गृहम दिल्ली नगरे अस्ति। उत्तमम, उत्तमम। तो किम समयः पंचवादनम द्विनिमिषे अस्ति? अंशु जी पूछना, अगर पूछना है दिल्ली में कहाँ, तो कैसे पूछेंगे? दिल्ली नगरे कुत्र अस्ति? तो दिल्ली नगरे कुत्र अस्ति राधिका महोदय? मुझे ये आवाज ब्रेक हो रही है कि सबको हो रही है? राधिका जी एक बार फिर। मुझे भी हो रहा है। हाँ, इंटरनेट में यही होता है आजकल, कभी गड़बड़ हो तो फिर गड़बड़। राधिका जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। पुनः पुनः उत्तरम वदतु। सुनाई दे रहा है, में हॉस्कास नगरे अस्ति। दिल्ली नगरे, हाँ दिल्ली नगरे हॉस्कास नगरे अस्ति। हाँ, तो अब हॉस्कास नगर है या हॉस्कास क्षेत्र है, तो क्षेत्र बोल सकते हैं, एरिया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, दिल्ली नगरे हौजखास क्षेत्र अस्ति, उसमें भी क्षेत्र, तो क्षेत्र में ए जैसे लगाए ना तो में हो जाता है क्षेत्र। आचार्य यहाँ पर, अगर आचार्य यहाँ पर हम कहेंगे कि मम गृहम हैदराबाद नगरे अस्ति, बट आई बिलोंग टू दास प्लेस, आई एम स्टेइंग नाउ हियर बट आई बिलोंग टू दास प्लेस, तो व्हाट विल टेल? मतलब अधुना अहम हैदराबाद नगरे बसामि। हाँ, तो मूलतः आप बोल सकते हैं, मूलतः का उपयोग कर सकते हैं। तो अहम अधुना या अहम इदानीम हैदराबाद नगरे अस्ति,
या मम गृहम इदानीं हैदराबाद नगरे अस्ति, मूलतः अहम कोलकाता नगरे या बंगाल प्रदेशे या उत्तर प्रदेशे, ऐसा बता सकते हैं आप मूलतः का उपयोग कर सकते हैं जी, मूलतः ये बताने के लिए कि बेसिकली आई एम फ्रॉम ओरिजिन एंड अधुना, मतलब नाउ आई एम स्टेइंग हियर। हाँ, अस्माकम या अधुना? नहीं, अधुना और इदानीम। अस्माकम नहीं, अधुना। इदानीम, इदानीम। अधुना। अधुना या अस्माकम मतलब, अस्माकम मतलब हम, हमारा, अभी लिखा ना हमने यहाँ पे तो लिखा था ऊपर। हाँ हाँ, हमारा हमारा। ओके ओके सर। मेरा है मम और अस्माकम हमारा। राइटिंग के लिए ये आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर तो सिंपल पावर पॉइंट है, लेकिन राइटिंग के लिए मैं ये आपको दिखा देता हूँ। आपको वीडियो दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। तो ये एक पेन टैबलेट है और... हाँ, ये पेन टैबलेट है, ये पूरा एक सेटअप है। तो मैं क्योंकि बहुत सारे शिक्षण करता हूँ तो मुझे तो ये, हाँ तो ये नेचुरल राइटिंग के लिए पेन है। प्राकृतिक रूप से जैसा हम लिखते हैं वैसे ही का वैसा, इसके ऊपर मैं जो लिखता हूँ वो कंप्यूटर पे आ जाता है। ये नॉर्मल पेन की तरह नहीं होता है? नॉर्मल पेन ही है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन लिखेगा नहीं, ये सिर्फ इस टैबलेट पे ही लिखेगा। हाँ हाँ वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, बस यही होगा ना। हाँ, तो इसमें कोई इंक विंक नहीं है, ये यूएसबी से कनेक्टेड है बस सब कुछ कंप्यूटर में। ठीक है, इस पर मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगी, मैं भी ऐसा सेटअप आपसे डिस्कस करके परचेस करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इदानीं पंचवादनम अस्ति, तो कक्षा समाप्तं करोमि। सर्वेषां नमो नमः, पुनर्मिलामः। सर्वेषां नमो नमः, पुनः पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः, शुभ दिन। पुनर्मिलामः, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको कहीं पे। शुभरात्रि कहाँ पे लिखा था हमने, ये लिखा है देखो, पुनः मिलामः, या उसी को कंबाइन करके जब हम बोलते हैं तो वो पुनर्मिलामः हो जाता है। फिर मिलेंगे, संधि करके जब बोलते हैं, फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं। पुनर्मिलामः, शुभरात्रि। मिलेंगे या मिलते हैं हम चर्चा करते हैं श्वेता जी अगले कक्षा में। आप ये प्रश्न को बचा के रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, उपयोगी प्रश्न है। उत्तमम उत्तमम। पुनर्मिलामः, नमो नमः, नमो नमः।